हम सभी लोग जानते हैं कि जहाँ पर विनाश होता है वहाँ पर सृजन भी होता है, और जहाँ पर सृजन होता है वहाँ पर विनाश भी होता है। यानी कि जहाँ पर बर्थ है वहाँ पर डेथ है, और जहाँ डेथ है वहाँ रीबर्थ है। और हमारी धरती यानी कि हमारी पृथ्वी सालों से सृजन और विनाश यानी कि कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन का एक हिस्सा बनी हुई है। साइंस के हिसाब से धरती पे मनुष्य का जन्म एक परंपरागत इवोल्यूशन है, और मनुष्य का जन्म इस धरती पे लाखों साल पहले ही हो चुका था। लेकिन मनुष्य यानी कि इंसान से पहले भी कई सारे जानवर के प्रजाति इस दुनिया में पहले ही आ चुके थे, जिसमें से कुछ थे डायनासोर, जो कि अभी के मौजूद जितने भी पक्षी है यानी कि बर्ड्स है वो डायनासोर इनके एंसेस्टर यानी कि पूर्वज है। और शायद आपको ये बात सुन के भी काफी हैरानी होगी कि जो कॉकरोच होता है वो इस धरती पे इंसानों से भी ज्यादा पुराना जीव है। जी हाँ मेरे दोस्तों, कॉकरोच इंसान के मौजूदगी से कई हजार साल पहले से इस धरती पे मौजूद है। तो अगली बार अपने घर के किसी कॉकरोच को मारने से पहले ये बात जरूर सोचना कि तुम उसके जमीन में रह रहे हो, वो तुम्हारे जमीन में नहीं रह रहा है, क्योंकि वो तुमसे कई हजार साल पहले ही इस धरती पे आ चुका है। और इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, इंसान को इस धरती पे आए हुए 2 लाख साल हुए हैं। वहीं अगर मधुमक्खियों की बात की जाए तो मधुमक्खियां लगभग 13 करोड़ 50 लाख पहले यानी कि 135 मिलियन ईयर्स पहले से इस धरती पे मौजूद है। अब देखो मामला यहाँ पर थोड़ा गर्म हो रहा है। लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई क्या कहना क्या चाहते हो, भाई बात को इतना क्यों घुमा रहे हो यार, मतलब सीधा सीधी बोलो क्या बोलना चाहते हो। तो आज के वीडियो का हमारा सवाल ये है कि ऐसा क्या है और ऐसा क्यों है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी एक थ्योरी में कह दिया कि अगर इस दुनिया से सारे के सारे मधुमक्खी खत्म हो जाए तो उसके कुछ साल बाद इस धरती से इंसान भी खत्म हो जाएगा, और इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर ये होगा तो कैसे होगा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग यार। मुझे पता है कि काफी वक्त हो गया है और मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। अब क्या है ना यार, देखो हो जाता है यार, जब इंसान मतलब बहुत ज्यादा बिजी होता है तो अक्सर ये हो जाता है। खैर कोई नहीं, अब से ऐसा नहीं होगा, मैं रेगुलर अब से वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तो अब यहाँ पर मेरी बात सुन लो, अगर आप नए हो इस चैनल लर्नर बॉय में पहली बार आए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो यार, क्या दिक्कत है। और ये वीडियो अगर आपको कहीं पर भी खुश कर पाई तो उसी वक्त इसे लाइक करना, जरूर लाइक करना, और शेयर भी जरूर करना भाई। तो चलिए फिर इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलो फिर शुरू से बात करते हैं, मधुमक्खियां यानी कि हनी बीज। और कई बार हम मधुमक्खियों को बिल्डिंग्स के छत में उल्टा हाइव यानी कि मधुमक्खी के छत्ते बनाते हुए देखे हैं, कई बार इन्हीं मधुमक्खियों को पेड़ में छत्ता बना करके उसमें रहते हुए देखा है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है कि पेड़ में रहने वाले और बिल्डिंग में रहने वाले मधुमक्खियां दोनों ही अलग अलग तरह के होते हैं। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि इस दुनिया में तकरीबन 20,000 से ज्यादा मधुमक्खियों के प्रजाति है, और ये दुनिया भर में हर हालात में हर कोने में मौजूद है। आमतौर पे मक्खियां दिखने में बहुत छोटी होती है, लेकिन कुदरत में इनका योगदान बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि मधुमक्खियों के 20,000 से ज्यादा प्रजाति है और इसी के लिए इनका नाम भी अलग अलग है। लेकिन देखा जाए तो ये सारे के सारे मधुमक्खियां काम एक ही करती है, ये पॉलिनेशन करती है, जिसके वजह से दुनिया भर में कई सारे पेड़ पौधे फलते फूलते हैं, और हम रोजमर्रा में जो भी सारी चीजें खाते हैं उनमें कोई ना कोई एक सब्जी या तो फल इन मधुमक्खियों की वजह से हम खा पाते हैं। हमारे खाने पीने में जो मुख्य भोजन है, जो भी चीजें हम रोज खाते हैं, उसमें से लगभग 70% भोजन मधुमक्खियों की वजह से हमें प्राप्त होता है, मधुमक्खियों की वजह से हमें मिल पाता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मधुमक्खी में ऐसा है क्या, तो यहीं पर से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर वो नहीं होंगे तो क्या हो सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मधुमक्खी जो है वो मर क्यों रहे हैं, और इतनी तेजी से उनकी तादाद क्यों कम हो रही है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। तो इंसानों के जहन में इस सवाल का जवाब 2006 से शामिल हुआ है। लगभग 2006 से एक डिसऑर्डर जिसका नाम दिया गया है कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर गिनती में आया है, जिसके वजह से अब तक हजारों की तादाद में मक्खियां गायब हो गई हैं यानी कि खत्म हो गई हैं। अब इस चीज के ऊपर भी कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मक्खियों के गायब होने के पीछे बैक्टीरिया, पैरासाइट और वायरसेस। तो भैया देखो ऐसा है कि ये जो बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, वायरसेस है, ये आजकल से तो आना शुरू हुई नहीं, ठीक है। जब से इस धरती पे जीवन आया है तब से किसी न किसी तरह का बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस इस दुनिया में मौजूद है। तो सवाल ये है कि उन पैरासाइट और वायरस का असर 2006 के बाद से ही नजर आना क्यों शुरू हुआ। तो क्या ऐसा है क्या कि कोई नया तरह का वायरस या पैरासाइट इजाद होकर के आया है सामने। तो मधुमक्खियों के सबसे करीबी रिश्तेदार है भंवरे और भी तरह के वस और चींटियां। तो क्या ये पैरासाइट का असर सिर्फ मधुमक्खियों पे हो रहा है, बाकी के कीड़ों में क्यों नहीं हो रहा, क्या पता शायद हो भी रहा हो लेकिन लोगों का ध्यान उसमें ना हो। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मोबाइल्स और बाकी वायरलेस सिग्नल की वजह से इन मधुमक्खियों की तादाद कम हो रही है। कई सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो ये दावा करते हैं कि मोबाइल टावर
और मोबाइल नेटवर्क्स की वजह से मधुमक्खियों के ऊपर काफी असर हो रहा है और इस वजह से वो मर रही हैं। दरअसल ये बात तब सामने आई जब स्विट्जरलैंड में एक रिसर्च हो रहा था मधुमक्खियों के ऊपर, जिसमें ये पता लगाया जा रहा था कि क्या सच में मोबाइल सिग्नल्स और टावर की वजह से मधुमक्खियों के ऊपर कोई असर होता है। और उसी रिसर्च में ये बात पता चला कि मोबाइल टावर्स और मोबाइल नेटवर्क्स मधुमक्खियों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा वो उनको इरिटेट करता है, वो उनको परेशान करता है, लेकिन इतनी तेजी से जो मधुमक्खियों की आबादी जो खत्म हो रही है, आबादी में कमी आ रही है, उसके पीछे मोबाइल टावर या मोबाइल नेटवर्क जिम्मेदार नहीं है। तीसरी जो चीज है जिसकी वजह से ये लोगों को लगता है कि इस वजह से मधुमक्खियों की आबादी में कमी आ रही है, वो है पेस्टिसाइड का इस्तेमाल, यानी कीटनाशक का इस्तेमाल। जैसे जैसे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है और इतनी तेजी से इंसानों की आबादी बढ़ रही है, तो उसके लिए जो खाने पीने की चीजें हैं और भी जरूरत के समान है, उसका डिमांड और सप्लाई भी बढ़ रहा है। तो डिमांड के हिसाब से सप्लाई को पूरा करने के लिए, जरूरत की चीजों की प्रोडक्शन को डबल करने के लिए बहुत तरह का केमिकल यूज हो रहा है, जिसमें से कुछ फर्टिलाइजर्स हैं और जिसमें से कुछ है कीटनाशक। तो इन्हीं में से एक कीटनाशक है नियोनिकोटिनॉइड्स। दरअसल ये निकोटीन का केमिकल फैमिली है और ये मधुमक्खियों के लिए जानलेवा है। इस कीटनाशक का इस्तेमाल लगभग 1990 से होता आया है और ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कीटनाशक है। तो अब ये होता कैसे है? लोग पेड़ पौधों के ऊपर इस कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, फिर मधुमक्खियां उन पौधों के ऊपर आकर के बैठती है, जिसके वजह से वो कीटनाशक इनके शरीर में चिपक जाता है। और जब ये मधुमक्खियां वापस अपने छत्तों में जाती हैं, तो सारी की सारी मधुमक्खियां उस कीटनाशक के चपेट में आ जाती हैं और फिर पूरा का पूरा कॉलोनी, पूरा का पूरा छत्ता खत्म हो जाता है, क्योंकि ये कीटनाशक सीधा मधुमक्खियों के नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका प्रणाली के ऊपर हमला करता है और उसे नुकसान करता है। तो इस वजह से कई बार जो मधुमक्खियां इस कीटनाशक के संक्रमण में भी आती है, वो अपने छत्ते तक का रास्ता भूल जाती है और उस रास्ते को ढूंढना भी भूल जाती है, जिसके वजह से वो अपने कॉलोनी से बिछड़कर मर जाती है। तो शायद पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक एक वजह हो सकता है जिसके वजह से मधुमक्खियों की तादाद इतनी तेजी से घट रही है। तो चलो मान लेते हैं कि अचानक से दुनिया भर से सारी मधुमक्खियां खत्म हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो इसका सबसे पहला असर तो ये होगा कि दुनिया भर में खाने पीने की चीजें जिसमें सब्जी और फल है, उनके प्रोडक्शन में, उनके खेती में तकरीबन 70% की गिरावट आ जाएगी, जिसमें से कुछ हैं चेरी, एप्पल यानी कि सेब, मैंगोस यानी कि आम, गुआवा यानी कि अमरूद, कॉफी, कोकोआ यानी कि चॉकलेट, वेनिला, क्यूकुम्बर यानी कि खीरे, पम्पकिन यानी कि कोहड़े, पोमेग्रेनेट यानी कि अनार, ऑनियन यानी कि प्याज यानी कि कांदा, पियर्स यानी कि नाशपाती, स्ट्रॉबेरीज, कैश्यू यानी कि काजू, कैक्टस, वॉलनट्स, एवोकाडोस, एप्रिकॉट्स, लीची, लेमन यानी कि नींबू, कोकोनट यानी कि नारियल, मस्टर्ड यानी कि सरसों और ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, कद्दू यानी कि लौकी, भिंडी, सनफ्लावर, टोमेटो यानी कि टमाटर, ब्लैकबेरी, ग्रेप्स यानी कि अंगूर, पीस यानी कि मटर, ग्रीन बीन्स, फ्रेंच बीन्स, क्लस्टर बीन्स, कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, लाल और हरी मिर्च, पपाया यानी कि पपीता, ऑरेंज यानी कि संतरे, कोरिएंडर यानी कि धनिया, वाटरमेलन यानी कि तरबूज, आलमंड्स यानी कि पिस्ता, पीचेस यानी कि शतालू। और अगर मैं बोलता जाऊँ ना, तो ये लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होगा मेरे भाई। और ना जाने इसके अलावा कितने सारे और भी फल हैं, सब्जियां हैं, मसाले हैं, जो मधुमक्खियां पैदा करते हैं और उनमें से कईयों का तो हम ठीक से नाम भी नहीं जानते। इन सारी चीजों का हम पे तो असर होगा और बेशक होगा, लेकिन हमसे पहले और सबसे पहले जिस पे असर होगा वो होंगे हमारे देश और सारे देश के किसान। मधुमक्खियों के अचानक खत्म हो जाने से उनके फसल तो बर्बाद होंगे ही, साथ ही साथ कई सारे किसानों के कमाई का जरिया भी रुक जाएगा। एक जांच में पता चला कि हर साल कोस्टारिका में कॉफी की खेती करने वाले जो किसान हैं, मधुमक्खियों की वजह से तकरीबन उनको हर साल $60,000 तक का फायदा होता है। तो अगर मधुमक्खी नहीं होगी तो उनके कॉफी के प्रोडक्शन में काफी नुकसान होगा और ये भी हो सकता है कि हम कभी भी कॉफी नहीं पी पाए। और ना जाने कॉफी की तरह कितने सारे फल और सब्जियां हैं जिसे हम कभी भी खा नहीं पाएंगे, क्योंकि जब मधुमक्खियां नहीं होगी तब खाने पीने की चीजों की पैदावार कम होगी और इस वजह से उन सारी चीजों का दाम काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे रोज के खाने में से कोई ना कोई एक फल या सब्जी मधुमक्खियों की देन है। तो जो इकोनॉमिकली वीक है यानी कि वो लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है या फिर जो मिडिल क्लास पीपल है, वो सब लोग इन खाने पीने की चीजों को नहीं खरीद पाएंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा, खाने पीने की कमी के वजह से लोग जानवरों को खाना शुरू करेंगे। तो जहाँ पर किसी एक जानवर को मार करके खाया जाता था, वहाँ पर 7 जानवरों को मार करके खाया जाएगा और इसका साफ तौर पे सीधा सीधा असर होगा जानवरों के आबादी पर। एक एक करके समुद्रों से मछलियाँ काफी तेजी से काफी बड़ी तादाद में पकड़ी जाएंगी और खाई जाएंगी। और इतना ही नहीं, हर वो जानवर जिसे खाया जाता है, जैसे कि मुर्गी, बकरी और बाकी के मवेशी, साथ ही साथ हर वो जानवर जैसे कि ऊंट, घोड़े जिसे
लोग खाते हैं, पक्षियों में भी यह असर होगा। और क्योंकि दुनिया भर में अलग अलग जगह में अलग अलग जानवरों को खाया जाता है, तो सारे जानवरों के ऊपर इसका असर होगा। दूसरी तरफ कई सारे ऐसे भी पौधे हैं जिनका इस्तेमाल जानवरों के लिए खाना और चारा बनाने के लिए होता है। और इस दुनिया में ऐसे कई सारे पेड़ पौधे हैं जो कि केवल मधुमक्खियों के वजह से फल फूल रहे हैं, जिनका इस्तेमाल हम भोजन में भले नहीं करते, लेकिन उनमें ऐसे कई तरह के पेड़ और पौधे हैं जिनका मौजूदगी कुदरत में बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनमें कई तरह के छोटे जीव जैसे कि कीड़े मकोड़े और ना जाने कितने छोटे जीव छोटे जानवरों का वास होता है। तो अगर मधुमक्खी खत्म हो जाते हैं तो वो पेड़ पौधे भी खत्म हो जाएंगे और इसका असर कुदरत में बहुत जबरदस्त तरीके से होगा, क्योंकि अगर वो छोटे जीव खत्म होते हैं तो उसे खाने वाले बड़े जीव में भी इसका असर होगा और उस चीज का असर होगा उनसे बड़े जीवों पे, और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। और चाहे वो जानवर हो या इंसान, अगर किसी के भी भोजन में कमी आती है तो भूख मरी शुरू होगी और खाने पीने की चीजों को लेकर के एक जंग शुरू होगा। तो दोस्तों अंदाजा लगा लो कि एक छोटी सी मधुमक्खी भी अगर इस दुनिया से खत्म हो जाए तो क्या क्या चीजें हो सकती है। इसी के लिए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, कुदरत की इज्जत करना सीखो, कुदरत की इज्जत करो, क्योंकि कुदरत से बड़ा विनाशकर्ता आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। और हाँ, अब तक का सबसे जरूरी बात, लोगों को ये लगता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि अगर इस दुनिया से सारे के सारे मधुमक्खियां खत्म हो जाए तो उसके कुछ साल बाद इंसान भी खत्म हो जाएंगे। दरअसल ऑफिशियली ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये स्टेटमेंट दिया है, दरअसल ये लोगों की करामात है। उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से कोटेशन बना करके वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि इंटरनेट में अपलोड कर दिया है। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हमारे आज का वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और बाकी वीडियोस की तरह अच्छी लगी हो। तो इसके लिए मैं टारगेट रखता हूँ ज्यादा नहीं, जो है कि 2500 लाइक्स यानी कि 2500 लाइक्स, तो उतना तो दे ही सकते हो। और दोस्तों मुझे पता है आपके कई सारे रिक्वेस्ट है, उसमें से एक है कि आप अपना चेहरा कब दिखाओगे, है ना। यानी कि आप लोग मुझसे सीधा सीधी ये पूछ रहे हो कि भाई फेस कैम कब लेकर के आओगे। तो भाई सुन लो यार, थोड़ा सा वक्त है, थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे, मैं कोशिश करूंगा लेकर के आने का। और प्लीज आपका जो भी सवाल है वो मुझसे कृपया करके कमेंट करके लिखे, मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा उन सारे सवालों का जवाब देने का। और जिन्होंने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं नहीं मतलब कब करोगे, अरे कर लो यार, कितना टाइम लगता है, तो 2 सेकंड का तो काम है यार, तुरंत हो जाएगा, है कि नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कोई नहीं होता है यार, अगले वीडियो में और अच्छे से पूछूंगा। चलो वीडियो बंद करें यार।